आज हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी बीटरूट के चिले, जिसमें हम लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। पहले हम बीटरूट को और लहसुन को छील लेंगे। लहसुन हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसका यूज़ हमें चटनी में भी करना है। ये मैंने लिया है ज्वार का आटा, गेहूँ का आटा, रवा, ज़ीरा, नमक, तेल और यह है लाल मिर्च पाउडर। बीटरूट को हमने अच्छे से छील लिया है, छिलने के पहले हमने इसे धो लिया था, और लहसुन को भी हमने छील लिया है। इसको हमने अच्छे से किस कर लेना है। यह हमने बीटरूट को किस कर लिया है और लहसुन को बारीक बारीक कट कर दिया है। अभी हमें इसे हमें पीस लेना है। बहुत दरदरा पीसा है, बहुत बारीक नहीं पीसा है। अभी हमें इसे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको कितना लेना है। स्वाद के अनुसार नमक, इसकी कंसिस्टेंसी आपको अच्छे से देखना है। बहुत ज़्यादा रनिंग ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, तवे पे आसानी से फैल जाए। ये देखिए, ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इस प्रकार से रखी है। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं ताकि इसमें जो सूजी हमने डाली हुई है, रवा जो डाला हुआ है, वो थोड़ा फूल जाए और ये बैटर अच्छे से तैयार हो जाए। जब तक ये बैटर सेट हो रहा है, हम चटनी बना लेते हैं। ये चॉप किए हुए लहसुन है, इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे। इस तेल में लहसुन का ये फ्लेवर जाएगा तो ये चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। इसमें हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। देखिए, मैंने बहुत ही थोड़ा नमक डाला है। अब इसे भी हम इस फ्लेवर को सारे मिक्स होने के लिए रख देते हैं। ये तवा मैंने 2 मिनट पहले रखा है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसे मीडियम आंच पे रख देती हूँ। Thank you.
टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।